नमाज दीन का सुकून है, जिसने उसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने उसे ढा दिया उसने गोया दीन को ढा दिया। लफ्ज़ तर्जमा देखें तो अस्सलाह नमाज, इमाम सुकून है, और दीन दीन का, वमन और जिसने, अकामा हा हा नमाज की तरफ इशारा है, उसे कायम किया, फकत तो तहकी अकामत दीना दीन को कायम किया, मन खादा रहा और जिस किसी ने उसे ढा दिया गिरा दिया, फकत तो तेरी खादा मत दीना उसने दीन को गिरा दिया। टेक्स्ट बुक में जब हम पढ़ लेते हैं, इस हदीस में दीन को एक इमारत से तशबीह दी गई है जिसका सुकून नमाज है, यानी दीन एक इमारत है और जिसके पिलर से ना सुकून पिलर को कहते हैं वो तो नमाज है। जिसने सुकून को कायम रखा वह इस दीन की इमारत को कायम रखा, और जिसने सुकून को गिरा दिया तो गया उसने पूरे दीन की इमारत ही को उठा दिया। इससे नमाज की अहमियत वाजह हो गई है। हर मुसलमान के लिए रोजाना 5 मरतबा ईमान के इम्तिहान का मौका आता है। मौज़िन उसे नमाज और फतह की तरफ बुलाता है। कितनी दफा मौका आता है इम्तिहान का? 5 दफा। ऐसी कुछ में आ जाता है नमाज और फतह की तरफ मौज़िन बुलाता है। हैया अलस सलाह हैया अलल फतह, यानी नमाज की तरफ आओ और फिर उसके बाद फतह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। अगर वो इसको कान पर लबैक कहता है, लबैक यानी वापस उसी तरह भागता जाता है जिस तरह मौज़िन ने बुलाया वो मस्जिद की तरफ आ गया नमाज के लिए, तो वह अपने ईमान की सदाकत की गवाही देता है। इसके अलावा नमाज ही वो अमल है जिसके जरिए इसका अल्लाह ताला से ताल्लुक और रब्ता कायम रहता है, जो तरके नमाज से कमजोर हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ गया था एक दफा बोर्ड के एग्जाम में कि अल्लाह का मुसलमान के साथ एक इंसान के साथ ताल्लुक और रब्ता कैसे कायम होता है, तो नमाज के जरिए ताल्लुक कायम होता है और उसको दर्द करने से कमजोर हो जाता है। तो नमाज के हवाले से एक फर्ज इबादत है, ठीक है, तो इस फर्ज इबादत में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। फर्ज का मतलब है हर सूरत में करना। 7 साल की उम्र में फर्ज हो गई, ठीक है, 10 साल की उम्र में अगर नहीं पढ़ा तो मार के पढ़ाओ, ये हुक्म है। तो अगर 10 साल की उम्र में भी नहीं पढ़ा तो उसको मार के नमाज पढ़ाई जाए, इसकी आदत बनाई जाए। और नमाज चूंकि फर्ज इबादत है और वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना, खुशू और खुशू के साथ अदा करना नमाज, नमाज को कायम करना होता है। नमाज कायम करना एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना। कायम कैसे की जाती है? तमाम तर उसके लवाजमात के साथ उसको अदा किया जाए। लवाजमात क्या है उसके? वक्त की पाबंदी, पहली बात, इन सलात वानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, तो ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह निसा में फरमा दिया है कि बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है, तो इसको वक्त की पाबंदी के साथ अदा किया जाए तो इसके दर्जा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और फिर एक तो ये कि उसको वक्त की पाबंदी के साथ अदा किया जाए, पहले वक्त में अदा किया जाए। तीसरी बात क्या है? खुशू और खुशू के साथ अदा किया जाए। खुशू और खुशू क्या है? नमाज जिस वक्त इंसान खड़ा होता है नमाज पढ़ने के लिए, तो मुख्तलिफ तरफ से अदाब से शयातीन उस पर हमला करते हैं, उसकी सोच को स्कैटर करते हैं, उसकी नमाज के साथ तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो शैतान है, चूंकि अल्लाह से वादा किया हुआ तो उसको काम करना ही। तो हमारा काम क्या है? अपनी नमाज में कुछ और कुछ कैसे ला सकते हैं? हर नमाज का हमें जो हम कुछ पढ़ रहे सूरज पढ़ रहे हैं, जो आयात पढ़ रहे हैं, हमें उस सब का तर्जमा आना चाहिए। अगर हमारा ध्यान तजवे की तरफ रहेगा तो फिर हम नमाज को ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा ध्यान उसी तरफ चला जाए। इसलिए नमाज को पक्की पाबंदी के साथ और मुकम्मल तमाम तर लवाजमात के साथ उसको कायम किया जाए। नमाज की अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है कि उसको दीन का सुकून करार दिया गया है। दीन यानी एक इमारत है और उसका सुकून नमाज को दे दिया गया है। इसलिए हमें हर मुसलमान को क्या करना है? नमाज को वक्त की पाबंदी के साथ और बड़ी खुशबुद्दी के साथ अदा करना है, क्योंकि इसी के जरिए से ये पहला एक दीवार है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करती है। हदीस अहदीस में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अस्सलातु मिराज मोमिनीना, यानी नमाज मोमिन की मिराज है। फिर अस्सलातु मिफ्ताहु जन्ना, यानी नमाज जन्नत की कुंजी है। फिर एक और जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया मन तरक अस्सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द ज़ाफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज पढ़ा
ان کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو سورہ مدثر میں فرمایا کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے لیے آخر کی زندگی آسان ہو جائے جو حقیقی زندگی